दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉइन मिल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नोएडा मिंट के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नोएडा मिंट स्वतंत्र भारत की पहली टकसाल है और उत्तर भारत में स्थित एकमात्र टकसाल भी है जहाँ सिक्कों को बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रोचक तथ्य आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन अभी क्लिक कर दें और साथ ही घंटी को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। नोएडा मिंट से जुड़ी कुछ खास बातें हमारे साथी आपको बताएंगे। हम लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते कि देश की चार टकसालों में से एक नोएडा के सेक्टर 1 में भी है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। जी हाँ, यह आजादी के बाद देश में स्थापित पहली टकसाल है। इतना ही नहीं, देश में बनने वाले कुल सिक्कों का 40% यहीं ढाला जाता है। यहाँ विदेशी सिक्के भी बन चुके हैं। इस समय नोएडा के टकसाल में 1, 2, 5 और 10 रुपए का सिक्का बनाया जा रहा है। इससे पहले 1988 के बाद जितने भी सिक्के देश की मुद्रा के रूप में चलन में थे वो सभी इस टकसाल में बनाए जाते थे। इनमें 5 पैसे से लेकर 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे समेत तमाम तरह के सिक्के शामिल थे। उत्तर भारत में नहीं थी टकसाल स्वतंत्रता के बाद देश में सबसे पहले नोएडा में ही टकसाल की स्थापना की गई। उस समय कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में कुल 3 टकसाल से ही सिक्कों का निर्माण किया जा रहा था। उत्तर भारत में एक भी टकसाल नहीं होने से नोएडा को इसकी स्थापना के लिए चुना गया। इससे देश के चारों हिस्से में टकसाल सुनिश्चित हो गई, जिससे पूरे देश को सिक्कों की बेहतर आपूर्ति की जाने लगी। 1988 ईस्वी से नोएडा में बनने लगे सिक्के देश में सिक्कों की मांग को पूरा करने के लिए साल 1984 में भारत सरकार ने नोएडा में टकसाल स्थापित करने का फैसला किया था। उस समय इस टकसाल में सिक्कों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2000 मिलियन तय की गई थी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग की भागीदारी के तहत इस परियोजना का निर्माण जनवरी 1986 में अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ। इसकी अनुमानित लागत कुल 30 करोड़ रुपए थी। 1 जुलाई 1988 ईस्वी से इस टकसाल में सिक्कों का नियमित उत्पादन शुरू हुआ। सिक्कों के निर्माण के लिए पहली बार यहीं स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया। निगमीकरण के बाद यह टकसाल 13 जनवरी 2006 ईस्वी से भारत प्रतिभूति मुद्रण व मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई के रूप में कार्यरत है। देश का 40% सिक्का यही बनता है। देश में होने वाले सिक्कों के कुल निर्माण में नोएडा के टकसाल का योगदान करीब 40% है। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद के टकसाल में बाकी 60% सिक्कों का निर्माण होता है। यहाँ करीब 300 कर्मचारी कार्यरत है। टकसाल में हाइजीन और सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। विदेशी सिक्के भी ढाले जाते थे। 2006 में नोएडा की टकसाल में थाईलैंड का सिक्का भाट और डोमिनिक रिपब्लिक का 10 पैसा का सिक्का भी बनाया जाता था। यहाँ इन्हीं दो देशों का सिक्का बनता था। यहाँ अभी विदेशों के सिक्कों का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन इस बाबत भारत सरकार का किसी देश के साथ कोई समझौता नहीं है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।